Welcome you all to my channel, and today I'm going to discuss experimental method of educational psychology. जब शिक्षा मनोविज्ञान में शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर एंड स्कोप पढ़ते हैं, वहाँ पर हम मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ते पढ़ाते हैं, जिसमें से कि बहुत सारे मेथड इंपॉर्टेंट हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, जिसमें से कि हम आज एक्सपेरिमेंटल मेथड डिस्कस करेंगे. तो those who are watching my video, please join my telegram group 2 and subscribe to my channel so that they can get my all videos and future videos too. And I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of University of Allahabad and it is my email ID. So let's start our topic. First of all, history of experimental method. कि हम ये जानेंगे कि प्रायोगिक विधि शिक्षा मनोविज्ञान में कब आई, कैसे आई, कौन लोग थे जो प्रायोगिक विधि को शिक्षा मनोविज्ञान में लेकर आए, कहने का मतलब मनोविज्ञान में लेकर आए. हमने तो शिक्षा मनोविज्ञान में तो मनोविज्ञान का ही एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, तो मनोविज्ञान में कैसे आई क्या प्रायोगिक विधि. तो The experimental method in psychology was made popular first by a German psychologist named Wilhelm Wundt, who opened the first psychological laboratory at Leipzig in 1879. ये point बहुत important है, कई बार इस पर सवाल पूछा जाता है और वैसे भी हमको पता होना चाहिए. जब मैं आपको history of educational psychology पढ़ा रही थी तब भी मैंने जिक्र किया था कि Wilhelm Wundt का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में रहा है, कि उन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो कि 1879 में, कितनी पहले की बात है, तब वो इस तरीके से ये प्रायोगिक विधि मनोविज्ञान में आती है. और दिस मेथड हैज बीन डेवलप्ड इन साइकोलॉजी बाय द कंटिन्यूअस एफर्ट्स बाय साइकोलॉजिस्ट्स टू मेक ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जब बिहेवियरिस्ट आए और वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे थे, तो उन साइकोलॉजिस्ट के कंटिन्यूअस एफर्ट से ये जो साइकोलॉजी है, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी करें, और एक्सपेरिमेंटल मेथड हमको यही हेल्प करता है कि हम एक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी कर सकें. तो उनके प्रयासों से ये बहुत पॉपुलर हुआ. और कौन कौन से लोग थे जो इस पर काम कर रहे थे, जैसे कि बहुत फेमस इबिन घोस का एक मेमोरी पे एक्सपेरिमेंट है, वो किया उन्होंने 1880 में. राइस एंड कॉमन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए स्पेलिंग अचीवमेंट पे. इसके अलावा थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, स्किनर, जो हम लोग जितने साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे प्रयोग किए. तो ये सब प्रायोगिक मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं. फिर द यूज ऑफ दिस मेथड हैज रेज्ड साइकोलॉजी टू द स्टेटस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस. जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटल साइंसेज हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी आपके एक्सपेरिमेंटल साइंसेज हैं, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो करते हैं, और साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है. इसका मतलब कि साइकोलॉजी के स्टेटस को फिजिकल साइंस की तरह बनाने का ये एक प्रयास है. क्या? कि हम साइकोलॉजी के मेथड में एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल मेथड हम साइकोलॉजी में ले आए, इसका मतलब साइकोलॉजी भी उसी तरीके का साइंस है जो साइंसेस एक्सपेरिमेंटल मेथड अपने यहाँ लगाते हैं. तो जितने फिजिकल साइंसेज हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जितने भी हैं, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कर सकते हैं, साइकोलॉजी भी कर सकते हैं. इसका मतलब साइकोलॉजी भी कहीं 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 ना कहीं एट पार है. ऑल्दो द फॉर्मर कैन नॉट अटेन द डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जबकि जो फॉर्मर यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी फॉर्मर है, ये सब क्या है, लेटर है. तो जो कि साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी जबकि उस सीमा तक नहीं है, हम चाह के भी उतना ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी में नहीं हो सकते हैं, इसके बावजूद एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ बहुत यूज होता रहा है. और कहाँ से शुरुआत इसकी हुई, विल्हेम वुंड से हुई, और उसके बाद से होता रहा एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूसेज किसमें, साइकोलॉजी में. और इसीलिए हम लोग इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जानें कि एक्सपेरिमेंट किसको है, हम किसको प्रयोग कहेंगे, तब तो हम प्रायोगिक विधि समझ पाएंगे. अकॉर्डिंग टू चैपिन, बहुत सारी डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू चैपिन, एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास और सबसे सूक्ष्म अगर हम परिभाषा दे सकते हैं प्रयोग की, तो वो यही है कि ये एक प्रेक्षण है, लेकिन प्रेक्षण किन दशाओं में किया जाएगा, नियंत्रित दशाओं में, यानी कि हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल अपना लगाना होगा. तब अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट है, और ऑब्जर्वेशन तो होता है तो वो नॉन कंट्रोल कंडीशन में होता है. तो ऑब्जर्वेशन में अगर ये कंडीशन जुड़ जाएगी कि कंट्रोल्ड कंडीशन है, तो वो एक्सपेरिमेंट बन जाएगा. ओके, देन फिस्टिंगर एक डेफिनेशन दे रहे हैं. क्या?
कि द एसेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ एन इनडिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ गए जो हमको जानने होंगे. सबसे पहली बात वेरिएबल. वेरिएबल माने चर, चर माने जो बदलता है. वेरिएबल मतलब वो जिसके पास एबिलिटी है किसकी, वेरी करने की, मतलब जिसके पास वेरिएशन की एबिलिटी है वो वेरिएबल है. जो बदल सकता है वो चर है, हिंदी में चर बोलते हैं. तो प्रयोग का मुख्य एसेंस क्या है कि ऑब्जर्व करना है हमको, क्या ऑब्जर्व करना है, इफेक्ट प्रभाव ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जो डिपेंडेंट है किस पे, इनडिपेंडेंट वेरिएबल पे. और इनडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं. यानी कि कुछ भी हमारी स्टडी में होगा, हमारे एक्सपेरिमेंट में, एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. इनडिपेंडेंट जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्वतंत्र चर है. स्वतंत्र चर है तो इसका मतलब कि उसमें हम तोड़ मरोड़ करेंगे. मैनिपुलेशन का मतलब उसमें चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, अकॉर्डिंग टू आवर पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट. हम उसमें मैनिपुलेशन करेंगे और फिर वो दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट डाल रहा है ये हमको देखना है. और दूसरा वेरिएबल चूंकि इस पर डिपेंड कर रहा है इसीलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं. तो एक स्वतंत्र चर हो गया, एक परतंत्र चर हो गया. स्वतंत्र चर में हम मैनिपुलेशन करते हैं और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट या परतंत्र चर पर देखते हैं. देन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट इन कंट्रोलिंग द कंडीशंस. यानी कि प्रयोग का मतलब क्या है कि हमको दशाओं को क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है. अंडर विच अ फेनोमेना अकर्स, जिसके कि अंदर एक घटना होगी. देन वेरीफाइंग दोज कंडीशंस सिस्टमेटिकली एंड नोटिंग द रिजल्ट. उसके बाद हमको क्या करना है, जो कंडीशंस है उनको वेरीफाई करना है सिस्टमेटिकली और जो रिजल्ट आएगा उसको नोट डाउन करना है. ये भी प्रयोग है. यानी कि पहले कंडीशंस कंट्रोल करेंगे, फिर फेनोमेना आकर होगी, फिर हम जो कंडीशंस होंगी उसको सिस्टमेटिकली वेरीफाई करेंगे और फिर रिजल्ट नोट डाउन करेंगे. ये पूरा ये एक्सपेरिमेंट है. देन और क्या है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व्स कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ ए कंट्रोल ग्रुप एंड दैट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो दो ग्रुप हम बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट करते समय, उनके बिहेवियर का कंपैरिजन ही प्रयोग है. कि दो ग्रुप हैं, एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रयोग में दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे दोनों के व्यवहारों की. फिर एन एक्सपेरिमेंट इज एन इन्वेस्टिगेशन, एक तरीके की जांच है प्रयोग. इन विच अ हाइपोथेसिस इज साइंटिफिकली टेस्टेड, जिसमें कि एक हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना. अब इसमें कई टर्म्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो. हाइपोथेसिस का मतलब होता है, हाइपो का क्या मतलब होता है, देखिए हाइपो माने होता है लेस ना, और थीसिस का मतलब कि हमारे रिजल्ट आ गया है. तो रिजल्ट से लेस देन यानी कि रिजल्ट से प्रीवियस देन या रिजल्ट से पहले हम कुछ धारणा बनाते हैं, कुछ परिकल्पना, कुछ एजम्पशन बनाते हैं, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं. मान के कुछ चलते हैं, प्रयोग करने से पहले हमको कुछ मानना पड़ता है. तो ये जो हाइपोथेसिस है उसकी हमको साइंटिफिकली जांच करनी है. यानी एक्सपेरिमेंट एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमारी जो हाइपोथेसिस है उसकी हम वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करेंगे. इन एन एक्सपेरिमेंट एन इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल का चूंकि इफेक्ट हमको डिपेंड वेरिएबल पर देखना है इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, कारण. क्यों, क्योंकि कारण में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमको प्रभाव पता चल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे. इसीलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, मतलब कारण एवं प्रभाव का संबंध. इज मैनिपुलेटेड एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल द इफेक्ट इज मेजर्ड. और एनी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड. अब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या हो गए, देखिए साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी हो रही है या कुछ ह्यूमन से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट पड़ रहा हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे. कई सारे और भी वेरिएबल होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए वो सारे वेरिएबल्स हमको कंट्रोल करने पड़ते हैं. तभी तो हम ये कह सकते हैं ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है. सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, मान लीजिए कि हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या संबंध है, हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं. और मान लीजिए हमने हाइपोथेसिस हम स्टडी करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट, मतलब कि आपकी बुद्धि और आपका जो अकादमिक अचीवमेंट है, निष्पत्ति है, उसमें क्या संबंध है. तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे. हाइपोथेसिस हमने बना लिया कि ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे की ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट होती है. ठीक है, अब हमने स्टडी करना शुरू किया, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस ही तो हमारी अचीवमेंट को प्रभावित नहीं कर रहा है. हमारा सोशल स्टेटस, हमारा पेरेंटल
एजुकेशन, हमारा होम एनवायरनमेंट, हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी बहुत सारी स्टडी हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हमारे अचीवमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे, तो कोई भी जाके सेक्स, आप कह रहे हैं मान लीजिए कि रूरल अर्बन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एकेडमिक अचीवमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, रिच पुअर, है ना, तो वो सारे वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ये सारे वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं, उन सबको कॉन्स्टेंट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है। और ये सारे वेरिएबल्स जो प्रभावित कर सकते हैं हमारी स्टडी को, उसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहा जाता है और उसको कंट्रोल करना पड़ता है। देन चूंकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सॉरी एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, सिस्टमैटिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसलिए उसमें एक सिस्टम है। हम अपने मन से नहीं कर सकते कि हमारा मन कर रहा है तो हम इस तरह से करेंगे, नहीं, उसमें कोई डिजाइन हमको फॉलो करना पड़ेगा, कोई सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, कोई हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये एक इन जनरल स्टेप्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक, सबसे पहले हम एक अध्ययन का विषय चुनेंगे, अपने शोध का टॉपिक चुना जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जैसे मान लीजिए कि हमने चुना कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ये बहुत वेग है लेकिन आपके समझाने के लिए। देन हम कुछ परिकल्पना बनाएंगे, मान लीजिए हमने परिकल्पना बनाई कि मोर इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है उनका एकेडमिक अचीवमेंट ज्यादा होता है, ये परिकल्पना बनाकर हम चले अब प्रयोग से टेस्ट करेंगे कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिर सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट डिजाइन, अब इस एप्रोप्रिएट डिजाइन में क्या आ जाएगा, सैंपल आ जाएगा, मेथड आ जाएगा, क्वेश्चनियर बनाना है, क्या करना है, उनसे कैसे टेस्ट करना है, रीटेस्ट करना है, किस सैंपल पे करेंगे, ये सब जब आप लोग पॉपुलेशन सैंपल जानते होंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं की जाती है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुना जाता है, उस पर रिसर्च या एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो चुना जाएगा। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, आंकड़ों का संग्रह करेंगे, फिर जो हमको डेटा मिल के आएगा उसको विश्लेषण करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, और तब हम डिस्कशन करेंगे और कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, निष्कर्ष हमारा निकल जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज द रिलेशनशिप, मोर एकेडमिक, मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है उनका एकेडमिक अचीवमेंट हाई है या नहीं है या जो भी बात है। इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी एक्सपेरिमेंट को संपूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का होता है और जो हर एक्सपेरिमेंटर को फॉलो करना होता है। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडीइंग बिहेवियर। चूंकि हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं इसलिए हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी और डिसिप्लिन में पढ़ रहे होते एक्सपेरिमेंटल मेथड तो हम वहां दूसरा चीज हो जाता बिहेवियर की जगह। तो जो साइकोलॉजी में या एजुकेशनल साइकोलॉजी में व्यवहार के अध्ययन का ये सबसे वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ तरीका है। इट इज द मेथड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द स्टेटस ऑफ साइंस टू साइकोलॉजी। यही मेथड है, यही वो विधि है जिसने मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में ला दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक डिसिप्लिन है, जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, वो सब एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो करते हैं और साइकोलॉजी भी वही कर रहा है, इसलिए साइकोलॉजी साइंस के समकक्ष हो जाता है। फिर डब्ल्यू बेस्ट क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस। मतलब प्रायोगिक अनुसंधान क्या है, प्रायोगिक अनुसंधान एक विवरण है और एक विश्लेषण है किसका, कि क्या होगा और क्या हो जाएगा अगर हम केयरफुली कंट्रोल कंडीशन में ये सारी चीजें देख रहे हैं। मतलब कि हमें सावधानी पूर्वक नियंत्रित करनी है दशाएं, और तब हम अगर उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हिस्सा है। देन द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ये हम लोगों ने बात कर ली है कि हम यहाँ क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन करते हैं और उसका हम इफेक्ट देखते हैं किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। द की फीचर्स आर The key features are controlled methods and the random allocation of participants into controlled and experimental group. हमने क्या कहा कि experimentation क्या है, control group और experimental group के behavior का comparison है। तो हमको दो चीजें ध्यान रखनी है experimental method में, पहली तो ये कि हमको दशाएं नियंत्रित करनी। फोर मोस्ट essence of experimentation is that the conditions must be controlled, हमारे control में होगा तभी वो experiment है। And the random allocation of participants, यानी कि जो हमने sample चुना है उसको हम random किसी को कंट्रोल और किसी को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे। अगर हम बायस होके रख देंगे तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट का एसेंस खो जाएगा। तो ये दो चीजें हमें खास ध्यान रखनी है, क्या कंट्रोल्ड कंडीशन, सॉरी
कंट्रोल कंडीशन और रैंडमाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि हम किसको कंट्रोल ग्रुप में रख रहे हैं, किसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख रहे हैं, ये रैंडम सिलेक्शन होगा. ओके, देन टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई टाइप के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं. लैब एक्सपेरिमेंट, देखिए जितना लैब एक्सपेरिमेंट जब होगा तो वो कंडीशंस जो होंगी वो सुपर कंट्रोल होंगी, हाईली कंट्रोल होंगी, कंडक्टेड अंडर हाईली कंट्रोल कंडीशंस. यानी कि हमने यहाँ पर दशाओं को क्या किया है, बहुत बहुत मतलब हाई कंट्रोल है, यानी कि जरा सा भी इधर से उधर नहीं हो सकते. जैसे मिलग्राम ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ओबीडियंस पे, बहुत कंट्रोल कंडीशन में किया गया था. तो इसकी क्या स्ट्रेंथ होंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कंडीशंस कंट्रोल होंगी तो क्या होगा कि रिजल्ट को आप उतनी बार रेप्लीकेट कर सकते हैं. एकदम हमने निश्चित कर दिया है कि ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, तो जब कोई भी चाहेगा तो उसी तरीके के हाईली कंट्रोल कंडीशन में उस स्टडी को रेप्लीकेट कर सकता है. तो ये इसकी स्ट्रेंथ है. देन allows for precise control of extraneous and independent variable. चूंकि ये बहुत control condition है, इसलिए हमने extraneous variable को भी बहुत अच्छी तरीके से control कर लिया है. इसका मतलब कि यहाँ पे हम establish कर सकते हैं कि ये cause है और ये effect है. क्यों? क्योंकि जितने भी और वेरिएबल थे जो हमारी स्टडी को इफेक्ट कर सकते थे, उन सबको हमने कंट्रोल कर लिया, उन सबको कंट्रोल कर लिया, इसलिए हम स्टैब्लिश कर सकते हैं एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कहाँ पे? लैब एक्सपेरिमेंट में. क्यों? क्योंकि दशाएं जो है वो हाईली कंट्रोल्ड है. फिर लिमिटेशंस भी है. क्या लिमिटेशन है? चूंकि हम आप कह रहे हैं साइकोलॉजी की स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियलिटी ऑफ दिस सेटिंग मे प्रोड्यूस अननेचुरल बिहेवियर. अगर आप इतना कंट्रोल करेंगे तो नेचुरल बिहेवियर हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है. हमको कैसा बिहेवियर मिलेगा? आर्टिफिशियल बिहेवियर. क्यों? क्योंकि कंडीशन इतनी कंट्रोल है कि हम अपना नेचुरल बिहेवियर शो ही नहीं कर रहे हैं. तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है. इसीलिए चूंकि ये फिजिकल साइंसेस जितना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है साइकोलॉजी, वाई? क्योंकि वहां पे आपको ताप दाब को केंद्रित करना है. कहाँ पे? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में. और यहाँ पे आपको ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो यू कांट कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर टू दैट मच एक्सटेंट. पहली बात. दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट में बायस द रिजल्ट्स. मतलब एक्सपेरिमेंटर क्या चाहता है उसका इफेक्ट उसमें आ जाएगा और रिजल्ट बायस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कंट्रोल तो वही कर रहा है ना, तो उसको उसी हिसाब से कंट्रोल भी करेगा. तो ये इसकी स्ट्रेंथ है. चूंकि हाईली कंट्रोल्ड है इसलिए रेप्लीकेबल है, और चूंकि हाईली कंट्रोल्ड है इसलिए अननेचुरल है. तो ये स्ट्रेंथ हो गई, ये लिमिटेशन हो गया. इसी तरह से फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम लैब से कहाँ आ गए? फील्ड में आ गए. तो हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है. यहाँ पे कहाँ होता है? डन इन रियल लाइफ एनवायरनमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. तो इन पार्टिसिपेंट्स अब लैब कंडीशन में नहीं है बल्कि रियल लाइफ एनवायरनमेंट में है. लेकिन यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटर स्टिल मैनिपुलेट्स, यानी कि यहाँ पे भी जो प्रयोगकर्ता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ घटाव कर सकता है, बट इन ए रियल लाइफ सेटिंग. लेकिन सेटिंग रियल लाइफ की रहती है, इसलिए cannot really control extraneous variables. इसलिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ लैब की दशाएं नहीं है, हम प्रयोगशाला में नहीं है बल्कि हम रियल लाइफ में, इसलिए हम उतना कंट्रोल नहीं है. यानी कि कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा सा लूजन हो रहा है. कंट्रोल लूज हो रहा है तो क्या हो रहा है? हायर इकोलॉजिकल वैलिडिटी देन ए लैब एक्सपेरिमेंट. अब इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी, हम जिस परिस्थिति में है, हमारा जो वातावरण है. तो हम चूंकि यहाँ पे रियल लाइफ सेटिंग में है ना, क्योंकि हम उसी परिस्थिति में जिसमें हम रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इकोलॉजिकल वैलिडिटी बढ़ जाती है लैब एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि लैब एक्सपेरिमेंट में तो हमारी इकोलॉजी चेंज कर दी गई, हमको लैब में बिठा दिया गया, तो वहां पे हम नेचुरल रिएक्ट तो कर ही नहीं सकते. यहाँ चूंकि हम रियल लाइफ में है इसलिए हम कंपेरेटिवली बेटर और नेचुरल रिएक्ट करते हैं. इसलिए इस प्रकार के प्रयोगों की इकोलॉजिकल वैलिडिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू लैब एक्सपेरिमेंट. लेकिन लिमिटेशन क्या हो जाती है? यही कि कंट्रोल क्या हो गया? कम हो गया. कंट्रोल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रेनियस वेरिएबल प्रभाव डाल देंगे. एक्सट्रेनियस वेरिएबल प्रभाव डालेंगे तो क्या होगा? हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को उतना हाईली स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, और दूसरा रिसर्चर रेप्लीकेट भी नहीं कर पाएगा हमारी स्टडी को इन एग्जैक्टली द सेम वे. क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में स्टडी करना है ना, हमारी रियल लाइफ आपकी रियल लाइफ से अलग है, किसी दूसरे पार्टिसिपेंट की रियल लाइफ तीसरे पार्टिसिपेंट की रियल लाइफ से अलग है. तो जैसे जैसे हम कंट्रोल छोड़ेंगे, कंट्रोल को कम करेंगे, वैसे वैसे इकोलॉजिकल वैलिडिटी बढ़ेगी, नेचुरल बिहेवियर मिलेगा. लेकिन घट क्या जाएगा? हमारा कंट्रोल घट जाएगा तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल इफेक्ट करने लगेंगे, हमारी रिसर्च को डिस्टर्ब करेंगे, और हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे. फिर नेचुरल एक्सपेरिमेंट में चले गए, यानी कि पहले लैब एक्सपेरिमेंट में थे, यानी कि लैब की दशाएं थी, फिर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में आए, यानी कि अभी भी मैनिपुलेशन तो था लेकिन कंडीशन रियल लाइफ हो गई थी. अब क्या है? नेचुरल एक्सपेरिमेंट, यानी कि अब एक्सपेरिमेंटर का कोई कंट्रोल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं रहेगा.
तो यहाँ क्या होगा, कंडक्टेड इन दी एवरी डे इन्वायरमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि रोजमर्रा का जो वातावरण हमारा है, जैसे हम रहते हैं बिल्कुल उसी तरीके के रहेंगे। प्रयोगकर्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा हमारे स्वतंत्र चर पर। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वेरी हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी, क्योंकि एक्चुअली हम वही होंगे जो हम हैं, हम कोई भी तरीके का नियंत्रण नहीं है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, इसलिए वैलिडिटी भी इकोलॉजिकल सबसे ज्यादा है इसके पास। लेकिन लेस, और क्या खास बात है, अच्छाई है, लेस लाइकलीहुड ऑफ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। इसलिए एक्सपेरिमेंटल का चूंकि कोई कंट्रोल भी नहीं है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल का कोई इफेक्ट भी नहीं है, तो हम और पार्टिसिपेंट्स को पता भी नहीं है कि उन पर स्टडी की जा रही है, तो वो बिल्कुल नेचुरल बिहेव करेंगे, ये इसकी स्ट्रेंथ है। Can be used in situations in which it would be ethically unacceptable to manipulate the independent variable. मतलब कि उन दशाओं में ये बहुत अच्छी हो जाती है इस तरीके की रिसर्च, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट, जहां पे कि ये मतलब इथिकली अनएक्सेप्टेबल है, मतलब कि मूल्य हमारे नहीं कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकें। ऐसी बहुत सारी सेंसिटिव मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, कुछ बड़ा इस तरीके का है जिससे हम मैनिपुलेशन उसमें संभव नहीं है, इथिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब तो बहुत लॉज बन गए। आप किसी को भी, आप इवन किसी को पार्टिसिपेंट भी बनाते हैं, तो हमको उनको कंसेंट फॉर्म देना होता है, भरवाना होता है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को कहीं लीक नहीं करेंगे, हाँ उनकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाएगी, ओनली फॉर रिसर्च पर्पजेज, ऐसे करके आपने भी कई चीज़ें फिल की होंगी। तो जहां पे इथिकली अनएक्सेप्टेबल होता है मैनिपुलेशन करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उस जगह के लिए तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमने एकदम कंट्रोल है ही नहीं हमारा, जैसे नेचुरली रिएक्ट करते हैं, नेचुरली बिहेव करते हैं रियल लाइफ में, वैसे ही कर रहे हैं कौन, पार्टिसिपेंट्स। देन चूंकि कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, कंट्रोल हमने रखा ही नहीं है कोई, तो लिमिटेशन क्या हो जाएगी, मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं उस बड़ा टाइम लगे, धीरे धीरे हो रहा है, अपने हिसाब से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए रिजल्ट को वो बायस कर सकते हैं, और मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अनदर रिसर्चर टू रिप्लीकेट द स्टडी इन एग्जैक्टली द सेम वे। और ये दूसरे प्रयोगकर्ताओं के लिए, दूसरे अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो हमने जो रिसर्च किया है, हमने जो स्टडी की है, उसको रेप्लीकेट कर पाए। क्यों? क्योंकि रेप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ नेचुरल हो रहा है, तो हम सबका नेचुरल एनवायरनमेंट तो अलग अलग होता है, इसलिए इस तरीके की रिसर्चेस की, एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन होती है कि रेप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इकोलॉजिकल वैलिडिटी हाईएस्ट होती है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसने एक्सपेरिमेंटल मेथड ने साइकोलॉजी को एक साइंस की संज्ञा दी है, और हम चूंकि एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे पहले जानिए एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? कंट्रोल्ड कंडीशन में किया गया ऑब्जर्वेशन। फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या है? दो खास बातें, पहली क्या, कंट्रोल्ड कंडीशन होगी और रेंडमाइजेशन ऑफ एलोकेशन होगा, किसका, पार्टिसिपेंट्स का, किसमें, कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। फिर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो सबसे ज्यादा जो रिजिड है कंट्रोल कंडीशन में, वो लैब एक्सपेरिमेंट है। फिर उससे थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं, वो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या है कि हम रियल लाइफ सेटिंग में तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल रहता है किसका, एक्सपेरिमेंटर का। और उसके बाद सबसे जो लूज है, सबसे फ्लेक्सिबल है, वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। उसमें हमारे एक्सपेरिमेंटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और एकदम फ्री जैसे कि वो बिहेव करते हैं, वैसे ही करते हैं पार्टिसिपेंट्स, और इस तरह से स्टडी करनी है। तो जैसे जैसे कंट्रोल हम टाइट करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन रेप्लीकेशन उसी तरह से कम होता जाता है। ओके, so thank you all, I have completed experimental method of educational psychology, yeah, experimental method of psychology you can say, and don't forget to like and subscribe my channel, you can join my telegram group too, and what is the name of my telegram channel, it is explore education. Okay, so done from my side, thank you all.